करनाल के वार्ड नंबर 20 में पीने के पानी की समस्या का समाधान हो गया है। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने नारियल तोड़कर ट्यूबवेल कार्य का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ट्यूबवेल लगने से वार्ड नंबर 20 के गांधी नगर, पाल नगर और विजय नगर की कॉलोनियों में पीने के पानी का लाभ मिलेगा। वहीं मेयर ने बताया कि करनाल में पानी की समस्या काफी कम है। आपको बता दें कि पहले भी करनाल में 21 ट्यूबवेल लग चुके हैं और 22वां ट्यूबवेल है। वहीं मेयर ने बताया कि करनाल में हर व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, चाहे वह सड़कों की हो, सीवरेज की हो, पानी की हो, सब विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। वहीं मेयर ने बताया कि गत दिवस ही स्लॉटर हाउस का उद्घाटन भी किया गया है, जिससे कि करनाल में मीट शॉप वालों के पास साफ सुथरा मीट पहुंच सकेगा, ताकि करनाल वासियों को कोई दिक्कत ना आए। इस मौके पर वार्ड के निगम पार्षद सहित संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। आज मेरे वार्ड के अंदर जो स्लॉटर हाउस बना हुआ है, वहाँ पे एक ट्यूबवेल का निर्माण के लिए मेरी मैडम आई थी और उनके हाथों के द्वारा यहाँ पे एक मुर्त करवाया गया ट्यूबवेल के लिए। उस ट्यूबवेल का फायदा हमारे वार्ड में पड़ने वाली कॉलोनियाँ जैसे नसीबपुरा, विजयनगर और पालनगर, इन तीनों कॉलोनियों को सीधे तौर से इसका फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर पानी की काफ़ी समस्या है, उस समस्या सॉल्व हो जाएगी। और मैं मेरे मैडम का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और इस कार्य के निर्माण के लिए धन्यवाद। आज यहाँ पर वार्ड नंबर 20 में इस ट्यूबवेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर गांधी नगर, पाल नगर और विजयनगर सभी को यहाँ से इसे ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई होगी। हमारा ये स्लॉटर हाउस बना हुआ है, यहाँ पर हमने लोगों के सहयोग से कल ही यहाँ स्लॉटरिंग भी शुरू करी है, ताकि शहर में जो हमारा मीट की दुकानें हैं वहाँ साफ सुथरा मीट जा सके, वहाँ पर कोई गंध या कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो सके जिससे लोगों को परेशानी हो। और आज यहाँ पर ये ट्यूबवेल निर्माण शुरू हुआ। हमारे पार्षद यहाँ के मोनू जी ने जिस तरह से व्यवस्था करवाई है, मैं इस बात के लिए लोगों को बधाई देती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से इस तरह से वार्ड के विकास के कार्य चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो हमारा स्लॉटर हाउस है, ये भी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इस तरह का केंद्र होगा, जहाँ हमारी पूरी तरह से शहर में हम स्लॉटरिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। पानी की दिक्कत अभी भी शहर में बहुत कम जगह पर है, काफ़ी जगह पर व्यवस्था हो चुकी है। हमारे इसी समय में अभी 21 ट्यूबवेल हमारे लग चुके हैं, ये 22वां ट्यूबवेल लग रहा है, पर धीरे धीरे हर व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चाहे कोई भी व्यवस्था है, चाहे सड़कों की है, चाहे पानी की है, चाहे सीवरेज की है, हर तरह से कर रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस ट्यूबवेल का कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा? विजयनगर, पालनगर और शांति नसीबपुर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.